हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए बाल विकास, जिसको हम CDP के नाम से भी जानते हैं, इसका पहला चैप्टर आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 दोनों में ही हम लोगों से बाल विकास पूछा जाता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम सीटेट की परीक्षा पर गौर करें तो बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी जो है, ये हमसे 30 अंकों की पूछी जाती है, जिसको यहाँ पे किस तरीके से विभाजित किया गया है, जिसके अंदर से जो 15 नंबर होते हैं ये हमारे यहाँ पे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए ये जो 5 नंबर हैं, इससे हमारी समावेशी शिक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगले ये जो 10 नंबर हमारे बच गए, इससे हमारे अधिगम यानी कि लर्निंग से संबंधित जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं उससे संबंधित टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर हम देखें आज की इस वीडियो में जो मैं ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि जो हम विकास की अवधारणाओं को समझेंगे और इसका रिलेशन देखेंगे, इसका संबंध देखेंगे किसके साथ, अधिगम के साथ, ये टॉपिक हमारा बाल विकास के अंदर दिया गया है। यानी कि ये 15 नंबर के टॉपिक में पहला टॉपिक हम लोगों को ये दिया गया है। और इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और साथ ही साथ विकास यानी कि डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ हमें ये जो विकास यानी कि डेवलपमेंट है, इसके प्रिंसिपल्स को देखना है, इसके स्टेजेस को देखना है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमें समझना है। तो चलिए वीडियो शुरू करें और सबसे पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास क्या होता है और इनमें क्या बारीक अंतर है, इसको ज़रा कवर करते हैं। और आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए जरा हम अभिवृद्धि और विकास को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें यानी कि अभिवृद्धि की बात करें, तो हमारे सामने अगर एक छोटा सा पौधा है तो उसका शुरुआत में क्या होता है, उसकी हाइट भी छोटी होती है, उसका आकार भी छोटा होता है और धीरे धीरे समय के साथ अगर उसे पानी खाद मिले तो उसके आकार में परिवर्तन आता रहता है, उसके हाइट में परिवर्तन आता रहता है। तो हम कहेंगे क्या कि ग्रोथ क्या है? अगर हमारे शरीर की जो संरचना होती है यानी कि जो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे शरीर का हो सकता है, वो किसी पौधे का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, अगर हमारे शरीर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर में और आकार यानी कि शेप में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन आता है, यानी कि अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, तब हम कहेंगे कि उस वस्तु का क्या हो रहा है, उस वस्तु का अभिवृद्धि हो रही है यानी कि ग्रोथ हो रही है। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझना चाहें तो देखिए, ग्रोथ है क्या? ग्रोथ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अगर पौधे की अगर हम देखें, तो अगर उसके वेट में अगर हम परिवर्तन देखें, अगर उसका जो वेट है, उसका जो भार है, अगर वो बढ़ जाए, या फिर उसके हाइट में, उसकी ऊंचाई में, या फिर हम कह सकते हैं उसके बॉडी के प्रोपोर्शन में, यानी कि जो उसका शारीरिक विकास अगर हम देखें, तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि कहलाती है। अब देखिए, जब हमने ग्रोथ के बारे में हमने इतना समझा कि ग्रोथ क्या है, किसी भी आकार का बढ़ना, तो देखिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अभिवृद्धि के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये जो वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि होती है, ये कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम माप सकते हैं, यानी कि किसी की हाइट में कितना परिवर्तन आया है, किसी के भार में कितना परिवर्तन आया है, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए हम इसे मात्रात्मक बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम अगला पॉइंट देखें, कुछ समय के बाद रुक जाती है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो हाइट है, ऐसा तो होता नहीं है कि बचपन से लेकर जब तक वो उसका मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो हाइट बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं होता। एक समय के बाद जो हाइट होती है, जो वेट होता है, ये सारी चीज़ों में जो बदलाव होता है वो रुक जाता है, वो थम जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक समय बाद जाके रुक जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो अभिवृद्धि होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है,
इसका स्वरूप यहाँ पे बाह्य होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल होता है। हम इसमें होने वाले परिवर्तन को, हम किसी व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में आजकल ये परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से इसे एक्सटर्नल फीचर माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रोथ होता किसका है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है सेल, यानी कि जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं। तो देखिए सेल जो होती है, सेल ग्रो करती हैं और क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, वो हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे कि हमारे किडनी हो गए, लंग्स हो गए, और ऑर्गन सिस्टम हमारा इससे तैयार होता है। तो देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोथ असलियत में कहाँ से शुरू होता है, ये हमारी कोशिकाओं यानी कि सेल्स से शुरू होता है। तो देखिए ग्रोथ से हमें क्या समझ में आया है कि किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है उसमें अगर परिवर्तन आए, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई भी हम चेंजेस देखें, तो वो हमारा ग्रोथ से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ होता है ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ जो है वो एक समय बाद रुक जाता है, ये कुछ पॉइंट हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम विकास यानी कि डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो विकास के अंदर देखिए बहुत सारे फैक्टर एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे शारीरिक यानी कि अगर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हमारे मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, हमारे भावनात्मक विकास की बात करें यानी कि जो हमारे इमोशन होते हैं, अगर हम इन सभी चीज़ों में मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता पा लेते हैं तो वो सभी हमारा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अभिवृद्धि भी विकास का ही एक भाग मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके और पॉइंट को डिटेल में समझें तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि ये यहाँ पे क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। कहीं ना कहीं हम विकास को माप भी सकते हैं, इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि विकास के अंदर जैसे हमारी भावना यानी कि हमारी इमोशन भी आ जाएंगी, अब इमोशन को तो हम मेज़र नहीं कर सकते कि इसमें कितना इमोशनल चेंज आया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी क्वालिटी भी बताता है कि हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, जो विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमारे लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। क्योंकि अगर हम नई नई जगह जाएंगे तो हम नए नए लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी भावनाओं का विकास होता रहेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर देखें तो विकास जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से चलता है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है। ये सीक्वेंस जब हम इसके सिद्धांतों को समझेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। देखिए वृद्धि क्या है, वृद्धि हमारे शरीर के आकार में जो परिवर्तन है उसको बताती है। पर जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो। एक समय बाद अगर किसी व्यक्ति की हाइट रुक गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन का, उसके भावनाओं का विकास नहीं होगा। तो देखिए जो विकास होता है वो वृद्धि के बिना भी संभव होता है। आई होप आप लोगों को अभिवृद्धि और विकास के ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जो कि हमारे विकास से संबंधित है। सबसे पहले इसके टाइप यानी कि कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ इसके सिद्धांतों को जरा हम डिस्कस करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को जरा हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसके हम टाइप्स को जरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला प्रकार है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, जो भी हमारे शरीर में परिवर्तन देखा जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी जो सामाजिक जो विकास है वो भी आता है, यानी कि जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है। जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तो बच्चे का समाजीकरण होता है, इस तरीके से बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट देखा जाता है।
इसके अलावा अगर आगे देखें, जब बच्चा समाज के संपर्क में आएगा, जब बच्चा बहुत लोगों से मिलेगा, तो बच्चे की भाषा में भी विकास देखा जाएगा। तो जो भाषाई विकास होता है उसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगला है कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं, जो बच्चे के कोग्निशन यानी कि संज्ञान से जुड़ा होता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें इमोशनली भी स्ट्रांग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। अगला यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट, जो हमारे नैतिक विकास से जुड़ा होता है, जिसका जो हमें सिद्धांत है वो हमें कोलबर्ग द्वारा दिया गया था। तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये इतने प्रकारों का देखा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जब शारीरिक विकास हो रहा होता है, तब हमारी कुछ मोटर कौशल होती हैं, उनका भी विकास देखा जाता है, जिसको हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। तो देखिए, ये जो मोटर कौशल होते हैं, इसमें आगे फाइन वर्ड लगा रखा है, यानी कि बारीक। तो देखिए, ऐसे कुछ कौशल जो बच्चों को बारीक चीज़ों में, जो बच्चों को बारीक चीज़ों में अपने जो कौशल हैं उसको बढ़ाने में मदद करें, वो हमारे फाइन मोटर स्किल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्कर पकड़ा हुआ है, अब मार्कर पकड़ने के लिए मैंने उंगलियों की सहायता से इसे अच्छे तरीके से जकड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि अपने छोटे जो मसल्स होते हैं उनमें पकड़ बनाता है, उसकी मदद से बच्चा लिखना सीखता है, राइटिंग करना सीखता है। बच्चे को हम शुरुआत में कलरिंग कराना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे के फाइन मोटर स्किल अच्छे हो सके। इसके अलावा बच्चा पेपर कटिंग वगैरह करता है, तो देखिए, पेपर कटिंग वगैरह तो थोड़ा ज़्यादा एज के बाद होता है, पर राइटिंग और जैसे कलरिंग हो गया, इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, ग्रॉस में जो हमारी बड़ी जो मसल्स होती हैं उन पर हम पकड़ बनाते हैं, जिसकी मदद से हम वॉक करना सीखते हैं, यानी कि चलना सीखते हैं। इसके अलावा हम स्विमिंग को भी ले सकते हैं, स्विमिंग की मदद से भी हम लोगों की जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा रनिंग यानी कि भागने से भी हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं उनमें अच्छा पकड़ बनता है। जंपिंग, इन ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे क्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल क्या होती है, जब हम अपनी छोटी मांसपेशियों में जब हम पकड़ बनाते हैं वो होता है फाइन मोटर स्किल, और जब हम अपनी बड़ी मसल्स में पकड़ बनाते हैं तो वो होता है क्रॉस मोटर स्किल। अभी हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कितने प्रकार का है, और मोटर स्किल्स को हमने यहाँ पे डिवाइड करके समझा। अब चलिए जरा देखते हैं कि विकास यानी कि डेवलपमेंट की क्या क्या सिद्धांत बनाए गए हैं। अब चलिए आगे, अब हम डिस्कस करते हैं विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पांच अलग सिद्धांत डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे गर्भ से शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और कब्र तक जाती है, यानी कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से हमारा बर्थ होना स्टार्ट होता है, जब से हमारी बॉडी मदर वॉम में ग्रो करना शुरू करती है, माँ के गर्भ में ग्रो करना शुरू करती है, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक ये चीज़ चलती रहती है और ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। इसीलिए ये निरंतरता के सिद्धांत का अनुसरण करती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करती है। अगर हम अगले सिद्धांत की बात करें, ये है विकास का क्रमिक पैटर्न। अभी मैंने आपके साथ बोला था कि मैं आपके साथ ये क्रमिक पैटर्न डिस्कस करूंगी, यानी कि कौन कौन से सीक्वेंस को यहाँ पे डेवलपमेंट फॉलो करता है। सबसे पहला है सेफेलोकॉडल। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक बच्चे का शरीर यहाँ पे बनाऊँ, तो अगर हमने ये शरीर यहाँ पे बनाया है, तो देखिए सेफेलोकॉडल सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस माना जाता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि बच्चे के सर का जो विकास है वो सबसे पहले होगा और धीरे धीरे उसका विकास बॉडी में, शरीर में नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए सेफेलोकॉडल जो सीक्वेंस है वो कहाँ से शुरू होता है, हेड से शुरू होता है और हेड टू टो, ये सर से लेकर पांव तक जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें, जो कि है प्रॉक्सिमोडेस्टल। प्रॉक्सिमोडेस्टल में होता क्या है, अगर हम फिर से एक शरीर बनाएं बच्चे का,
तो देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है कि बच्चे के जो सेंटर मोस्ट पार्ट है यानी कि सेंट्रल, जैसे कि हमारे जो दिल होता है इसका विकास सबसे पहले होगा, अगर बच्चा माँ के गर्भ में भी होता है तो सबसे पहले बच्चे का दिल धड़कना शुरू करता है, तो बीच का पार्ट सबसे पहले डेवलप होगा और उसके बाद ही एक्सट्रीम पार्ट बाद में डेवलप होता है। ये है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। और सफेलोकॉडल में क्या होता है, सफेलोकॉडल में बच्चे के सर में बच्चे का बैलेंस सबसे पहले आता है, उसके बाद बच्चे की बॉडी में नीचे की तरफ बच्चे का जो बैलेंस है वो बनता रहता है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, अगला सिद्धांत यहाँ पे है क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत यानी कि ऑर्डरली मैनर। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है। ये हमेशा सामान्य से यानी कि जनरल से विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक की तरफ आगे बढ़ता है। पहले हम सामान्य चीज़ों को पहले हम समझ पाते हैं और उसके बाद हम विशिष्ट चीज़ों में पकड़ बना पाते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत। देखिए हम लोगों को पता है कि हम बच्चे के विकास को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं, तो हम लोगों को इस सिद्धांत का भी अच्छे से अनुसरण करना है, इस सिद्धांत को भी फॉलो करना है कि हर बच्चे में एक इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है। हर बच्चा एक तरीके से समान नहीं हो सकता, हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल बात होती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी होती है। अगला यहाँ पे पॉइंट है अंतर संबंध विकास का सिद्धांत जो कि है इंटर रिलेटेड। अभी मैंने आपके साथ विकास के अलग अलग प्रकार बताए थे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखिए विकास के ये जितने भी प्रकार हैं ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगर बच्चे का भाषाई विकास अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के कोग्निशन पे भी फर्क पड़ेगा यानी कि संज्ञान पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये विकास के सिद्धांत होते हैं, विकास के जो प्रकार होते हैं, वो एक दूसरे पे संबंधित भी है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अभी हमने यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत देखे, सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद देखा हमने क्रमिक पैटर्न क्या क्या है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसके बाद हमने देखा कि जो विकास होता है एक क्रमिक पैटर्न को फॉलो करता है जो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। इसके अलावा हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हमें इसे मानना भी चाहिए, हमें इसकी सराहना भी करनी चाहिए। साथ ही साथ विकास के जो प्रकार हैं वो एक दूसरे से संबंधित भी है, अंतर संबंधित है और साथ ही साथ एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अभी देखिए हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, अब चलिए जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास होता है इसके जरा स्टेजेस को कवर करते हैं और आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अब चलिए जरा हम विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कवर करते हैं। अगर हम विकास की अवस्थाओं को देखें तो देखिए अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग तरीके की अवस्थाएं दी गई हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है। यहाँ पर जो हम अवस्था डिस्कस करेंगे ये हमारी चार अलग अलग अवस्थाएं हैं जो कि कहाँ से शुरू हो जाती है, जो कि हमारे माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। अब देखिए सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्री नेटल पीरियड। जो बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने का समय व्यतीत करता है उस समय बच्चे के अंदर जिस भी तरीके का विकास देखा जाता है वो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्री नेटल स्टेज के अंदर रखा गया है। तो देखिए इस तरीके की जो अवस्था होती है और जो विकास होती है वो तो एक तरीके से समान देखी जाती है, तो इसको तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगली जो अवस्था होती है जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम शेषावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, तो बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, जो बच्चे की सेंसेस होती हैं, वो यहाँ पे एक तरीके से शिक्षक का काम कर रही होती है। बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखता है, सुनता है, तो इस तरीके से बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, जो बच्चे की सेंसेस होती हैं, वही बच्चे को आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने में मदद करती हैं। इसके अलावा बच्चा दूसरे लोगों को इमिटेट करता है यानी कि अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है। अगर बच्चे के सामने आप किसी भी तरीके की हरकत करो, जैसे कि आप फ़ोन में बात कर रहे हो तो आपको पता है कि फ़ोन आप कान में लगा रहे हो, तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चा फ़ोन को पकड़ के सीधा कान में लगाता है, तो बच्चा यहाँ पे अनुकरण भी करता है, बच्चा यहाँ पे इमिटेट करता है।
एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपको किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाना है तो आप इस काल में, आप इस स्टेज में बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे के सामने जो भी चीज़ बोली जाए, जो भी चीज़ की जाए, बच्चा उसी तरीके से हैबिट को डेवलप करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सीखने का एक आदर्श काल माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है, आप देखेंगे 6 महीने से साल भर के बीच में और 2 साल के बीच में बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है इस अवस्था के बीच में बहुत तीव्र देखा जाता है, बहुत तेज़ी से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आता है बाल्य अवस्था, जो कि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्फेंसी स्टेज जो था वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक था। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है यह हमारी बाल्य अवस्था कहलाती है, जो कि हमारी 2 अलग अलग भागों में विभाजित की गई है। 2 से लेकर जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है यह हमारी अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है, और जो 7 से लेकर 11 या फिर आप कह लीजिए 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह हमारी लेटर चाइल्डहुड कहलाती है। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है इसी बीच में हम लोग यहाँ पर स्कूल जाना शुरू करते हैं। और देखिए जब हम लगभग 3 से लेकर 5 वर्ष तक के बीच के बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह अवस्था जब शुरू होती है तो इसे हम प्री स्कूल एज कह सकते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। इसके अलावा बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चा अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। साथ ही साथ इस अवस्था को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा खिलौनों के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चा जब 7 से लेकर 11 वर्ष तक पहुंचता है तो इसे हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, और बच्चे ग्रुप में खेलना शुरू करते हैं तो इसे हम गैंग एज भी बोलते हैं। बच्चे लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बच्चे तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा ही क्यों है, तो इस तरीके के सवाल जवाब बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे में तार्किक चिंतन यहाँ पर आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ट्रबलसम एज होती है, क्योंकि इस अवस्था के बाद बच्चे में किशोरावस्था शुरू होने वाली होती है। मतलब लड़कियां ऐसे क्यों होती हैं, लड़के ऐसे क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं जेंडर को लेके बच्चे के माइंड में सवाल यहीं से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली अवस्था होती है इसे हम क्रिटिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, यानी कि बच्चे के जीवन काल का सबसे ज़्यादा जो कठिन काल माना जाता है वो हमारा किशोरावस्था माना जाता है, जिसको हम एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये एक तरीके से क्रिटिकल पीरियड तो होता ही है, साथ ही साथ हम लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं, गर्ल्स की बॉडी में, बॉयज़ की बॉडी में, तो हम लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती शुरुआत में, तो आइडेंटिटी क्राइसिस देखे जाते हैं। बच्चे जल्दी कहीं पर घुलते मिलते नहीं है, इस समय बच्चे में एडजस्टमेंट इशू आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं, इस तरीके के जो बदलाव है, ये हमारी किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस में देखे जाते हैं। आई होप ये जो मैंने स्टेजेस, जो मैंने अवस्थाएं समझाई हैं विकास की, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और इस टॉपिक में मुझे आज की इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन करना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।